आजादी मिलने से पहले जैसे भी प्रिंस साहब ने बताया जिसे 75 साल हो गए 1947 को, यहाँ से हजारों मील दूर मुल्क है इंग्लैंड, बर्तानिया कहते हैं, वहां पे है बादशाह। उस बादशाह के हुकूमत जहाँ कहलाती थी उसका नुमाइंदा वायसराय यहाँ दिल्ली में रहता था और वहीं से हाकिम बड़े बड़े जो जिलों के या सूबों के होते थे वो आते थे, कानून वो बनाते थे और यहाँ हम पे चलाते थे। कोया हम आजाद नहीं थे, हम पाबंद थे उनकी बातों के मानने। अब इस चीज को हमने और हमारे बड़ों ने महसूस किया, जब ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ की मिट्टी से पैदा हुए हैं, तो हमें क्यों ना इख्तियार हो अपने ऊपर अपनी हुकूमत चलाने का। ये हजारों मील से दूर से आकर के यहाँ हुकूमत कर रहे हैं हमारे ऊपर और हमें गुलाम समझते हैं, नौकर समझते हैं, तो क्यों ना इन्हें भगा दिया जाए और हम अपने लिए खुद अपना आइन बनाएं, खुद अपना दस्तूर बनाएं। अब ये चीज जब यहाँ हिंदुस्तान वालों में आई तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और लोग भी थे जो यहाँ पे रहते थे कि इनको यहाँ से भगाओ। जब कोई बात मुश्तरका तौर से होती है तो उसका असर होता है जो नशे चले गए। अब हमें अपना दस्तूर या अपना आइन और सिचुएशन हमें बनाना था, चुनाचे उसके लिए कमेटी बनाई गई कि ये कमेटी आइन साज कमेटी जिसको कहा गया हमारे अपने मुल्क के लिए आइन मुरतब करेगी, कंस्टिट्यूशन किस तरह से यहाँ पे कानून बनाने का क्या तरीका होगा, उसके जो मेंबर होंगे वो कैसे चुने जाएंगे, सबसे बड़ा कौन होगा, दूसरे मुल्कों की जो अच्छाइयाँ थी वहाँ के आइनों में वो ली गई और बाकायदा उसके उसको तैयार किया गया और फिर उसका निपाल हुआ 26 जनवरी मनाते तो मतलब ये है कि हमने अपना आइन बनाया, उसमें हर हिंदुस्तानी को बराबर के हुकूमत दिए गए, तालीम में किसी और नौकरियों में या कहीं भी कोई किसी पे बरकर किसी को नहीं है, हर जगह हमारे जा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं और चीज़ों में। तो अब ये